अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, वी आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। एंड टुडे आवर लेक्चर ऑफ डिस्कशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन इज लेक्चर नंबर 34, पार्ट नंबर 1। ऑलरेडी बताया है जो लेक्चर्स लेंथी होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। बट टुडेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज, यू हैव 3 हैट्स एंड 4 शर्ट्स, हाउ मेनी वेज अ हैट एंड अ शर्ट कैन बी चूजन। यानी ये हमारा है लेक्चर नंबर 34 पर, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको एक रूल दिया हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर रूल देखें, इफ़ ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड बी इन एन वेज, देन द टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन एम मल्टीप्लाई एन वेज। आप एक एम वेज की बात, यानी एक एम है और एक एन है, तो अगर दोनों का ऑपरेशन फाइंड करना है तो कितने बार करेगा, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो 3 हैट्स और 4 शर्ट्स हैं, तो 3 × 4 विल बी इक्वल टू 12। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पिक अ टीम ऑफ 3 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10। अच्छा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर परम्यूटेशन की जब बात होती है तो वहाँ पर डेफिनेट ऑर्डर में होते, एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर तो आपको सीक्वेंस की बात हो रही है, ऑर्डर में चीज़ें दी हुई हैं, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन अगर जहाँ पर जो हमारी ऑर्डर है वो मैटर नहीं करती, या फिर इंटरनल जो हमारी ऑर्डर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब मैंने कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मुझे आगे जाना पड़ेगा, वो फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में है या नेक्स्ट पेजेस पर है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या है, परम्यूटेशन का फार्मूला दिखा देती हूँ। यहाँ पर परम्यूटेशन का फार्मूला भी है और मैं सॉल्व हुआ हुआ भी दिखाऊंगी। यहाँ आ रहा है और कॉम्बिनेशन में सी आ जाता है पी की जगह, और नीचे क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल भी आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है, यहाँ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अच्छा जी, अब आपने देखना है, देखो वो 10 ग्रुप का ग्रुप है, 10 लोगों का, उसमें से 3 पिक आ, कैन यू पिक अ टीम ऑफ 3 पीपल, यानी इसमें से कोई से 3 पीपल आपने पिक करने हैं। इसमें ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई की हुई, यानी ऑर्डर मैटर नहीं कर रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर राइट भी किया है, वी यूज़ कॉम्बिनेशन एज द इंटरनल ऑर्डर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और ऑर्डर डजेंट मैटर। तो यहाँ पर जो येलो कलर में राइट किया हुआ है वो इंस्ट्रक्टर का आंसर है, इसे सॉल्व नहीं किया गया था। तो हमें पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर n देखो, टोटल जो नंबर आपको पीपल या टोटल जो वैल्यू बताई होती है वो n होती है, और जितना चूज़ करते हैं उसे r कहते हैं। यहाँ पर टोटल ग्रुप ऑफ 10 पीपल है और चूज़ कितने करने हैं, 3, तो यहाँ पर r मेरे पास 3 हुआ। तो आपने जस्ट पुटिंग करनी है, n की जगह 10 लग गया, r की जगह 3 आया, 10 माइनस r यानी 10 माइनस 3 आपके पास 7 आ गया। और मैंने आपको रूल समझाया था कि आप फैक्टोरियल्स को कोशिश किया करें कि एक दूसरे से कैंसिल कर दें, ताकि आपकी लेंथी कैलकुलेशन ना हो जाए। तो यहाँ नीचे 7 फैक्टोरियल था, तो ऊपर मैंने 7 फैक्टोरियल अलहदा कर लिया, आगे 8, 9, 10 एज इट इज़ लिख दिया, 7, 7 से कैंसिल हो गया। नीचे 3 × 2 = 6 आ गया मेरे पास, और ऊपर क्या है, 10 × 9 × 8 बचा, मल्टीप्लाई करो 7, 20 होता है, डिवाइड 6 करें तो हमारे पास 120 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड द लेक्चर नंबर 34, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 2 हम कल डिस्कस करेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।